वन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे हम टाटा स्टील के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको नॉन टेक का क्लास मिल जाएगा अगर आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, बहुत ही मिनिमम चार्ज लगेगा, सो ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज यहाँ पे हम काफ़ी कुछ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, टाटा स्टील के बारे में हम आप लोगों को बता दें कि टाटा स्टील में डिप्लोमा हो, ITI हो, BTEC हो, BE किए हैं, आप जो भी कोर्स किए हैं सभी के लिए वैकेंसी टाटा स्टील में आती रहती है। और कई तरीका से गैस टाटा में ना सिलेक्शन किया जाता है। एक तो गैस कॉलेज से भी प्लेसमेंट किया जाता है टाटा में, बड़े बड़े कॉलेज में टाटा अभी भी जाती है और प्लेसमेंट करके वहाँ से बच्चे खिलाती है, पहला। दूसरा गैस कॉन्टैक्ट बेसिस पे भी टाटा में होती है। तीसरा यहाँ पे बात करें गैस, आप एक होता है ना कि किसी के रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे आपको लग जाना यहाँ होता। चौथा गैस कंसल्ट के द्वारा, कंसल्टेंट होता ना कि आप जाओ भी बड़े बड़े सिटी में वहाँ बैठे होते हैं कि भैया हम टाटा में लगा देंगे, आपको एक या दो मंथ का कुछ सैलरी देना होगा, तो उस अकॉर्डिंग भी टाटा में जुगाड़ लगता है यहाँ पे। और कई तरीके के झोलझाल के थ्रू यहाँ पे बच्चे जॉब करने के लिए जाते हैं, तो कई तरीके होता है। मगर हम आपको बता दें टाटा एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है डिप्लोमा का। आज से मेरे ख्याल से मैं एक वीडियो भी डाला था मेरे मेन चैनल पे होगा, 24 स्टडी सेंटर वाले चैनल पे होगा, मैंने वहाँ पे डाला भी था। देखिए गाइस, टाटा वैकेंसी निकाली, एग्जाम बोला कंडक्ट कराएंगे, बहुत सारे बच्चे अप्लाई किए यहाँ पे, एग्जाम भी हुआ। और एग्जाम के जब सेंटर पे पहुंचा गया तो वहाँ पे एक होता है कि सीरियस होना कि भैया अगर आपके पास फोन भी है ना तो आप लेके जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मतलब ये सिर्फ नाम का टाटा स्टील है, नाम का एग्जाम कंडक्ट कराती है, बट उसको इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे ख्याल से सबके सब जुगाड़ उगाड़ होगा यहाँ पे, है ना, नाम के लिए भैया हाँ सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, तो ये है कैसे यहाँ पे। तो जब टाटा की वैकेंसी आ गई तो इतना सीरियस होके नहीं हाँ तैयारी करना है गाइस। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरियस कहीं और, आप जो गाइस अगर गवर्नमेंट का आता है, चाहे स्टेट सरकार का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को या PSU हो, तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, टाटा स्टील में इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। और हमेशा वैकेंसी टाटा स्टील में आती ही रहती है यहाँ पे, ठीक है। और हम आपको बता दें कहीं भी अगर इस चीज़ की बात हो ना कि हाँ हमें पैसा दो भाई हम टाटा में लगा देंगे, तो सिंपल बोलना कि पैसा नहीं देंगे, पहले काम करवाओ फिर पैसा देंगे। गलती तो कभी मत करना, बोल से नहीं तो बहुत पछताओ। और ये केस बहुत साल से, मैं आज से नहीं काफी समय से आप लोग के साल 2019 से मैं हूं और इस फील्ड में मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे इस फील्ड में पड़ गए हैं, काफी सारे बच्चे का पैसा रुक चुका है यहां पे। तो मैं आप लोग को यही बोलता हूं कि टाटा में जब वैकेंसी अभी एग्जाम के बारे में बात आवे तो वहां पे इतना सीरियस होकर नहीं करना है, बस एग्जाम देना है यहां पे, हो तो सही है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि वहां हमको पूरा जुगाड़ ही नजर आता है गाइस यहां पे, है ना। और टाटा में बहुत सारे ऐसे भी आदमी जो पैसा लेकर काम करवाता रहता है, तो पैसा तो कहीं दे एक रुपया भी नहीं देना है, याद रख लीजिएगा एक रुपया भी नहीं देना है। तो कुछ ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग के बीच शेयर करना था टाटा के बारे में। मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि आप लोग को बता दूं, क्योंकि टाटा अक्सर वैकेंसी निकालती रहती है यहाँ पे, है ना। बाकी टाटा बहुत ही अच्छा है, जॉब लग गया तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, नो डाउट। इसमें यहाँ पे अगर इंजीनियरिंग कर गए हैं तो वहाँ पे आपका सैलरी हो, एक रेपुटेशनल जॉब है गाइस टाटा में। अगर आप लोग मैकेनिकल से हो ना, या अदर ब्रांच वाले को भी टाटा रखते हैं, यानी टाटा बहुत बड़े है गाइस यहाँ पे, बहुत बड़ा जॉब देती है बहुत आदमी को, है ना। तो कुछ ये था गाइस, सो मिलेंगे बहुत ही जल्दी। सो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। कोई ऐसा भी अपडेट आएगा तो हम सारे अपडेट देंगे आप लोग के।